शरद पवार की आत्मकथा के विमोचन का मौका और इसी मौके पर उनका एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान। अस्वस्थता कदा चीज होते राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवृत्तीचा निर्णय आज घेतलेला आहे। पवार के इस फैसले से जैसे पूरी पार्टी में मातम पसर गया। कई बड़े नेताओं की आंखों में आंसू तक आ गए। कार्यकर्ता इस्तीफा वापसी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद शरद पवार ने अजीत पवार के जरिए कार्यकर्ताओं को संदेश भिजवाया। साहब ने बोला कि मेरा एज अभी 83 हुआ है, इसीलिए पार्टी का जो जिम्मेवारी है प्रेसिडेंटशिप की, वो मैं उसका इस्तीफा दे रहा हूँ। कार्यकर्ताओं की मांग है कि मैंने इस्तीफा वापिस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2-3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। दिन भर में जो कुछ हुआ उसका इशारा शरद पवार की बेटी कुछ दिनों पहले ही कर चुकी थी, लेकिन राजनीति आगे क्या रुक लेगी इसका पता अभी भविष्य के गर्भ में है।